हेलो रोजी जान उर्फ उषा, सुना है तुम हाथ पांव बड़े अच्छे चलाती हो? हैं? हाथ पांव भी बड़े अच्छे चलाते हैं। अगर दोनों मिलके हाथ पांव चलाएं तो बड़ा मजा आएगा। ट्राई करूं? वाह, क्या तोहफा दिया है? अरे तोहफे देना हमें भी खूब आता है, समझी? छोड़ दे मुझे। अबे ओ हरामी, अबे कैसा मर्द हो बे तू जो बेबस लड़की पे हाथ उठावे। आपकी बार मारे को आजाद हो जाने दे, जो दो मिनट में तारे को मार मार के मर्दाना से जनाना ना बना दिया तो हरियाणा का जाट ना कहियो। कमीने, अपने बिल में तो चूहे भी शेर होते हैं लेकिन रहते चूहे ही हैं। मैं जवाब में तुम्हें कोई गाली नहीं दूंगा, सिर्फ गाली दिखाऊंगा। मिस इंडिया, जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उसे तो कृष्ण ने बचा लिया, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? ये तुम बास्टर्ड, जानते नहीं कभी कभी कृष्ण भगवान राधा बन जाते हैं, तब उस राधा का नाम होता है लली। जाओ तुम दूसरे लोगों को छुड़ाओ जब तक। हाँ तुम मेरे बाप को मारना चाहते थे ना? हाँ मैं तुम्हें जिंदा है। ठंडा होगा जब तुम्हारा कलेजा आकर तुम्हारी चिता में आग लगाएगा। कितना खुश नसीब है विजय जिसने उस चिता में भी आग लगाई थी जिसमें हमने तुम्हारे पति को हमेशा की नींद सुला दिया था। तो क्या मेरे पति का कातिल भी तू ही है? तुम्हारे पति का कातिल ही नहीं बल्कि तुम्हारे दामाद की मौत और तुम्हारी बेटी की आत्महत्या का कारण भी मैं ही हूँ। चूंकि आज तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का आखिरी दिन है इसलिए तुमसे झूठ बोलना घोर पाप। पापी, मेरा सिंदूर उजाड़ कर मेरी बेटी और दामाद को मार कर अब मेरे खानदान का आखिरी चराग भी बुझाना चाहता है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। भगवान से दुश्मनी की हमें कोई परवाह नहीं है क्योंकि हमारी दोस्ती शैतान से है और आज ये शैतान अपनी आंखों से देखना चाहता है कि माँ बेटे की चिता में आग लगाएगी या बेटा अपनी माँ की चिता में। तो तू आज ये भी देख ले कि किसकी चिता चलती है। वक्त के तराजू में एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ माँ का आशीर्वाद। अब तो सिर्फ भगवान ही बताएगा कि कौन सा पल्ला भारी है। जिस पल्ले पर माँ का आशीर्वाद होता है वही पल्ला भगवान होता है माँ, और भगवान से भारी है कोई पल्ला नहीं होता।
विजय, मैंने हमेशा तेरे हाथ पैरों में कंग की बेड़ियां डाली, लेकिन आज समझ में आया कि हिंसा को हमेशा के लिए खत्म कर देना ही सच्ची अहिंसा है। अधर्म और अत्याचार को नेस्तनाबूद कर देना ही सच्चा कर्म है। बुराई को जड़ से खत्म कर देना ही सच्चा धर्म है। विजय, मैं तुझे कर्मयुद्ध के लिए आजाद कर देती हूँ। नाश कर दे इस राक्षस का, नाश कर दे इस पापी का। तेरे पिता का कातिल यही है विजय, यही है। बुढ़े, आज तेरे मरने से पहले तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूं। बोल, तू इस चिता में जिंदा जलना चाहता है या मुर्दा? वाह, मां ने भाषण दिया और गीदड़ बेटा शेर बन गया। कर्मयुद्ध! अरे, जिन हाथियों में ताकत होती है वही कर्म करते हैं और वही युद्ध। तुम जैसी चीटियां तो सिर्फ मसले जाने के लिए हैं। वाह रे हाथी की औलाद! अरे, अगर एक छोटी सी चीटी तुम्हारी सूंड में घुस गई तो जमीन चाटते नजर आओगे। तो अब तुम्हें आसमान की अंतिम यात्रा करवा ही दी जाए। अरे, तारी आंखों में आंसू भाई मारे को अच्छा नहीं लगा। तय क्या समझे कि मैं मर जाऊंगा? अरे, मैं तो उस मासूम की आंखों में जिंदा रहूंगा, ताकि आंखें मारी वैसे चली गई थी। तय काम कर, मारे मरते ही मारी आंखें उस बच्चे को लगवा थे, तब शायद भगवान मारे को माफ कर देगा। मारा ये काम। चरण सिंह,